So students, in our last videos, we have discussed what is cancer, what are its different types, how can we diagnose the cancer, how can we detect the cancer, what are different types of cancer. Now coming to the ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें परमानेंट क्योर की या ट्रीटमेंट की, सो इनिशियल स्टेजेस में कैंसर की इनिशियल स्टेजेस में ट्रीटमेंट पॉसिबल है बट अप टू अ सर्टेन स्टेज. इन फाइनल स्टेजेस और लास्ट स्टेजेस वी कैन नॉट से वी कैन सेव द लाइफ ऑफ अ पर्सन. सो वट एवर द ट्रीटमेंट्स आर अवेलेबल दैट इज एप्लीकेबल अप टू सम इनिशियल स्टेजेस ऑफ द कैंसर. सो लेट सी वट आर द डिफरेंट ट्रीटमेंट्स ऑफ कैंसर that are present till now. First one is surgery. Next is radiotherapy. Next we will come to chemotherapy. And then one more is there, immunotherapy. So students, in this method, the tumor part is surgically removed from the body of patient. If a tumor is benign in nature, that is localized to specific location only, so it will be easy to remove the tumor from that very site, and up to certain limit we can, you can say, prolong the life of that cancer patient. तो स्टूडेंट, सर्जरी में बेसिकली हम क्या करें, ट्यूमर टिश्यू को या जो ट्यूमर किसी स्पेसिफिक लोकेशन में अगर प्रेजेंट है तो हम उसको सर्जिकली रिमूव कर सकते हैं. दिस इज द सर्जिकली रिमूवल ऑफ ट्यूमर. ऑलराइट, कैंसर सेल्स को, ट्यूमर्स को, दैट इज अ क्लंप ऑफ सेल्स यू कैन से, उसको हम सर्जिकली रिमूव कर सकते हैं. बट इफ अ सिंगल सेल रिमेन, अगर एक भी सेल स्टूडेंट्स अगर वहां रह जाती है, इट विल अगेन डिवाइड, इट विल अगेन फॉर्म अ ट्यूमर, वहां पर ट्यूमर अगेन जो है बन जाएगा. नेक्स्ट वी विल कम टू रेडियोथेरेपी. जैसा कि नाम से पता लग रहा है स्टूडेंट, इसमें हम रेडिएशन का यूज जो है कर सकते हैं. तो the scientists that are using this or the doctors that are, they are called, you can say, radiologists. All right, so what type of radiations are used? Generally ionizing radiations are used, like gamma radiations are used. What will they do? They will kill the, it will kill the tumor cells. गामा रेडिएशन स्टूडेंट्स क्या करेंगे, ट्यूमर सेल्स को किल कर देंगे. इंपॉर्टेंट टू सेव अदर हेल्दी सेल्स. यहां सबसे बड़ा चैलेंजिंग जो टास्क रहता है स्टूडेंट, दैट इज टू प्रिवेंट द, यू कैन से, हेल्दी टिश्यू दैट इज प्रेजेंट अराउंड द ट्यूमर. ट्यूमर के आसपास जो हेल्दी टिश्यू है उसको रेडिएशंस का कोई इफेक्ट ना हो, तो उस केस में हम लोग क्या यूज करें, रेडियोथेरेपी. सो अभी अगर हम देखें, जैसे आयोडीन 131 आइसोटोप और कोबाल्ट 60, दिस इज यूज इन केस ऑफ थायराइड कैंसर एंड इन अदर कैंसर्स, दिस इज ऑल्सो यूज अलॉन्ग विद दिस गामा रेडिएशन. So, if a person is undergoing surgery, even then, again the growth of tumor take place, then we can go for radiotherapy. And in case of chemotherapy, some chemicals are used. This is drugs based, or you can say chemical based treatment. Do you know what type of chemicals? स्टूडेंट्स, अभी तक हम जो सबसे ज्यादा यूज कर रहे हैं, दैट आर सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स ऑफ प्लांट. सेकेंडरी मेटाबोलाइट क्या होते हैं बेटा, प्लांट्स दो तरह के मेटाबोलाइट बनाते हैं. प्राइमरी मेटाबोलाइट जो वो खुद की ग्रोथ और खुद की डेवलपमेंट के लिए यूज करते हैं. सेकेंडरी मेटाबोलाइट दैट इज नॉट यूटिलाइज बाय प्लांट इटसेल्फ, प्लांट्स उनको खुद यूज नहीं करते, हम उनको अपने फायदे के लिए यूज कर सकते हैं. तो इसी तरह के थ्री एग्जाम्पल्स हमारे पास है दैट आर फॉर सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स, जिनको हम लोग यूज कर सकते हैं. जैसे
विन क्रिस्टिन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर नीट, विन क्रिस्टिन, विन ब्लास्टिन एंड वन मोर टैक्सोल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स. दीज थ्री यू कैन से सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स और एल्कलॉइड्स, दे आर यूज्ड फॉर ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर. These vincristin and vinblastin, they are obtained from a weed that is Catharensis roses. This is a weed. From that, this vincristin and vinblastin, that is also called secondary metabolites, that are obtained. Alright children, next we are coming to taxol. This is obtained from yew plant that is present in Pacific region, that's why it is called Pacific yew plant, and the scientific name of this plant is Taxus brevifolia. Very very important. So these are the two plants from which we can obtain this secondary metabolites or drugs, you can say, that is used to treat the cancer patient, and this has come under chemotherapy. Now next, coming to immunotherapy, this is the most latest type of treatment, you can say. What happens students, कैंसर के समय में हमारा इम्यून सिस्टम, हमारे इम्यून सिस्टम की सबसे इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि वो सेल्फ एंड नॉन सेल्फ में भी रिकग्नाइज कर सकती है, मेमोरी बेस्ड होती है. लेकिन कई बार हमारा इम्यून सिस्टम इस तरह से सप्रेस हो जाता है, हम कहें, या इनएक्टिव हो जाता है कि वो कैंसर सेल्स को कई बार डिटेक्ट नहीं कर पाता, एंड दैट कैन नॉट एक्ट अगेंस्ट दैट ट्यूमर और दैट कैंसर सेल. तो उस केस में कुछ इम्यून यू कैन से एक्टिवेटिंग सब्सटेंस, इम्यून एक्टिवेटिंग चीज़ों का जो है यूज किया जाता है, दैट कैन एक्टिवेट द इम्यून सिस्टम, ताकि हमारा इम्यून सिस्टम भी कैंसर से लड़ने में हमारी मदद कर सके. सो इम्यूनोथेरेपी के अंदर बेसिकली हम क्या यूज करें बेटा, इम्यून सिस्टम एक्टिवेटिंग एजेंट्स, फॉर एग्जाम्पल अल्फा इंटरफेरॉन्स. जनरली इंटरफेरॉन्स वायरल इन्फेक्टेड सेल्स से रिलीज होते हैं, और इनका काम होता है कि आसपास के सेल्स को इन्वेजन से बचाना, या आप कहें कि वायरल इन्फेक्शन से बचाना. तो कैंसर भी कई बार हमने सुना है कि इट विल ऑकर थ्रू ऑन्को वायरसेस, कुछ वायरसेस ऐसे हैं जो कैंसर कॉज कर सकते हैं. तो इन दैट केस वी कैन यूज दिस इम्यूनोथेरेपी ऑल्सो स्टूडेंट. ऑलराइट, सो देयर आर ऑल्सो सम साइड इफेक्ट्स ऑफ दिस ट्रीटमेंट्स. इन ट्रीटमेंट्स के कुछ साइड इफेक्ट्स भी हैं, लाइक यू हैव सीन हेयर लॉस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हेयर लॉस. बट द क्वेश्चन अराइजेज व्हाई इट अकर्स, व्हाई इन द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर स्पेसिफिकली इन कीमोथेरेपी यू कैन से व्हाई हेयर लॉस अकर. हेयर लॉस क्यों होता है कैंसर के अंदर, आपने देखा होगा काफ़ी सारे कैंसर पेशेंट्स को कि दे डोंट हैव हेयर ऑन देयर हेड. तो बेटा सबसे स्पेसिफिक इसका रीज़न यही है कि कीमोथेरेपी के अंदर जो केमिकल्स यूज हो रहे हैं, दे आर बेसिकली टारगेटिंग ऑन द यू कैन से एक्टिवली ग्रोइंग सेल्स और फास्ट ग्रोइंग सेल्स. तो जो फास्ट ग्रो कर रही है सेल्स को, उन्हीं को टारगेट करता है ये हमारे केमिकल्स या ड्रग जो हम यूज करें कीमोथेरेपी में. सो हेयर फॉलिकल्स की अगर बात करें हम, हेयर फॉलिकल्स के अंदर ब्लड कैपिलरीज की सप्लाई है, हम कहें ब्लड सप्लाई बहुत अच्छी होती है, तो दे कैन ग्रो फास्टर देन अदर सेल्स. हमारे हेयर फॉलिकल्स की ग्रोथ बाकी सेल्स से ज़्यादा फास्ट है, ज़्यादा अच्छी है. तो हम कहें कि ये जो केमिकल जो ट्यूमर सेल्स को कहीं ना कहीं उनकी ग्रोथ को सप्रेस कर रहे हैं, साथ ही साथ ये हमारे हेयर फॉलिकल्स की ग्रोथ को भी कहीं ना कहीं अफेक्ट करते हैं, टारगेट करते हैं, इसीलिए कैंसर के अंदर हेयर लॉस होता है. तो यू कैन से इट टारगेट्स हेयर फॉलिकल्स. Why hair follicles? Because they are fast growing cells as compared to other cells. All right, students. So this is the you can say basic idea of the this deadly disease cancer that is killing number of people all over the world. And the cases are increasing day by day. Specifically, skin cancer cases are increasing. Why they are increasing? As we all know, ozone depletion is going on due to our air pollution, and that leads to thinning of our ozone layer. And more UV rays are entering in our atmosphere, and that leads to different types of melanoma, that is skin cancer, different types of epidermal or skin cancer. Alright, students. So I hope you have
got some important points for this topic cancer. Read the topic from NCERT also, and this topic is specifically important. If we talk about types, are specifically important. Treatment is important. Now the name of plants and what type of chemicals are important in chemotherapy, what type of radiations are used, what type of isotopes are used. These are some basic questions that can be asked if need. I hope you have understood, student. If you like the videos, please hit the like button. Thank you.